बैठे हुए हैं मुन्ना लाल जी, गोयल जी, मनो प्रवन सिंह जी भी बैठे हैं सर। अच्छा अच्छा, तो प्रदुम्न जी दिख ही नहीं रहे मुझे, और इमरती देवी जी भी बैठी हुई है मामा जी। हाँ, ये मसूका बना है ना मामा, में तो पता ही नहीं चलता कौन बैठे कौन नहीं बैठे, लेकिन अभी जी, जी। तो इमरती जी का भी स्वागत है। क्या कौन सा काम शुरू कर रहे हो भैया? ये सर मिश्री इलायची दाना और बूरे का। आप तो गुड़ का बूरा और मिश्री इलायची दाना? नहीं, चीनी का। चीनी का मामा जी, चीनी जी। ये मीठा ही व्यवसाय क्यों चुना आपने? सब ये कुछ पुस्तैनी भी काम है, और ये कुछ पूजा पाठ सामग्री है, तो ये सब चीज में लगती है, इसलिए इसको चुना। कितना निवेश होने वाला है इसमें, कितने पैसे लग रहे हैं? करीब इसमें सब 15 से 20 लाख रुपए हैं। कौन से बैंक से पैसा मिल रहा है आपको? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक से कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। घुमाना फिराना चक्कर लगवाना दान दक्षिणा कोई नहीं? नहीं नहीं साहब, पूरा कोऑपरेट किया है बैंक वालों ने। और अधिकारियों ने? नहीं, टोटल अधिकारियों ने भी साहब। सही सही बता दे ना यार, मेरी कसम खा के बोलो। नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहा। नहीं। तो जिन सब ने सहयोग किया है उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आपका ये मीठा व्यवसाय बहुत अच्छा चले, यही शुभकामना है मेरी। आपको बहुत बहुत बधाई। टीकमगढ़ और अनीता सोनी जुड़ सकती हैं क्या? देखिए, एक बहन से और बात करें जी। टीकमगढ़ से अनीता सोनी से जुड़ेंगे। हेलो। हाँ अनीता जी नमस्कार। मामा जी नमस्ते। क्या हाल है अनीता जी? सही है सर। सही है। कौन सा काम शुरू कर रही हैं आप? मामा जी, हम जी खिलौने की दुकान लगाते हैं। खिलौने की दुकान कहाँ पे? अपने टीकमगढ़ में भी, कोंडेश्वर में भी, और आसपास गांव में भी जाते हैं। तो मतलब आप खिलौने का बेचने का, जो खिलौने हैं वो लेके आसपास के गांव में जाते हैं? हाँ सर। काय से जाते हैं बेटी जी? टैक्सी से चले जाते हैं या गाड़ी से भी जा सकते हैं। अच्छा, तो टैक्सी। अच्छा, कोई जीप किराए पे ले ली उसी में? टैक्सी। हाँ, मतलब वही ना। हाँ हाँ। कैसा चलता है ये काम धंधा? बिक्री होती है? अच्छी हो जाती है सर। अच्छा, कितने रुपए लग रहे हैं इसमें? अभी आपने कितना लिया है बैंक से? हमने अभी ये योजना से 10 और 20 हज़ार का लोन पास किया है मध्यचल ग्रामीण बैंक से। अच्छा, बैंक में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं सर। आसानी से लोन मिल गया? हाँ सर, कोई परेशानी नहीं हुई, और नगर पालिका से भी फोन करके बुला देते हैं कि आ जाओ, आपका लोन पास हो गया है। पंजीकरण करा लिया था नगर पालिका से, और अच्छा, पैसा है ना ग्रामीण बैंक से प्राप्त हुआ है। ये योजना का पता कैसे चला आपको? सर वो कंप्यूटर के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा चल जाता है। कंप्यूटर भी आप उपयोग करती हैं? नहीं सर, वो हम जाते रहते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप पता करती रही। देखिए, एक बड़ी बात है ये, और अनीता कह रही हैं कि हम देखते रहते हैं, जाते रहते हैं कि कंप्यूटर पे भी क्या आ रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। अब इतनी जागरूकता अनीता जैसी बेटी में है, तो फिर बहनों का सशक्तिकरण कोई रोक नहीं सकता। अनीता का ताली बजा के आप स्वागत करें। आपको बहुत बहुत बधाई अनीता। आपका काम धंधा खिलौने बेचने का, खिलौना बेच के रोजगार भी मिलता है, और बच्चे खिलौने खरीदते हैं तो उनको आनंद और प्रसन्नता भी मिलती है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आज्ञा चाहेंगे, अगर आप पुनः पार्थ से चर्चा करना चाहेंगे तो हम पुनः कनेक्ट हो सकते हैं रीवा से। अब पार्थ को बधाई दे दी जी। जी जी, अब वर्चुअली नहीं एक्चुअली कभी जुड़ेंगे रीवा जाके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जिला में उपस्थित हितग्राहियों को उनके संवाद के लिए। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगी कि दिनांक 16 नवंबर से आज के दिनांक तक लगभग 5.25 लाख युवाओं को विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना में लाभान्वित किया गया है। और अब चिंतक, विचारक व सबसे महत्वपूर्ण एक प्रेरक, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्रिय प्रतिनिधि और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में। अब कार्यक्रम की वह अमृत बेला जहाँ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के, जी जी जी, जी, जी।
विनती आपसे आपके अमृत वचनों के लिए। मंच पर विराजमान हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, रोजगार बोर्ड के हमारे अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, गोविंदपुरा की लोकप्रिय विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई नरहरी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भोपाल के सुमित जी, यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे हाल में बैठे हुए, नीचे भी ऊपर भी मेरी बहनों मेरे भाइयों, लेकिन केवल यही नहीं बैठे, आज पूरा मध्य प्रदेश हमसे जुड़ा है। ये कार्यक्रम बहुत विराट होने वाला था, लेकिन कोरोना बार बार हमारी रफ्तार में ब्रेक लगा देता है, इसलिए हमको हाल में कार्यक्रम करना पड़ता, और नहीं तो आज जिस कार्यक्रम में 12 नवंबर 16 नवंबर से अभियान हमने प्रारंभ किया था, आज तक लगभग 5.25 लाख बहनों और भाइयों को, बेटा बेटियों को रोजगार मिल रहा है, यह अद्भुत कार्यक्रम है। और कार्यक्रम भी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, जयंती पर, मैं प्रदेश भर के नौजवानों से कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी हम सब की प्रेरणा है, और मैं तो उनसे ऊर्जा पाता हूं, बचपन से उनको पढ़ता रहा हूं, उनके विचार हमें नए उत्साह से भर देते हैं। मैंने बचपन में पढ़ा उनको और वो वाक्य मेरे मन और मस्तिष्क में रच गए, बस गए, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा किसी भाषण में जो मैंने पढ़ा किताब में, मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, वो अमृत का पुत्र है, वो ईश्वर का अंश है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, वो अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। और मैंने जब ये विचार पढ़े तो मेरे मन में भी आया कि निराशा क्यों, हताशा क्यों, इंसान चाहे तो सब कर सकता है। देखो पूरी दुनिया में आज जो कुछ हुआ है, हमारे जैसे हर मास के पुतलों ने तो किया है। मैं सच कहता हूं, अगर आप निश्चित निश्चय कर लो काम धंधे के बारे में, बिजनेस व्यवसाय के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, लक्ष्य तय करो, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रास्ता बनाओ, रास्ता मतलब कोई कुदाली फावड़े से नहीं, रोड मैप कहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाओ, और अगर परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। मैंने बचपन में कविता पढ़ी, हम लोग गाते थे संघ की शाखाओं में, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मोह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, जो कुछ करता मनुष्य तो करता है, इंसान ही सब करता है। हमने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे, शुरू कहां से करी थी उनने, छोटी सी शुरुआत करी। मैंने सुना कि रिलायंस ग्रुप के संस्थापक अपनी जेब में 500 रुपया लेके मुंबई आए थे, एक ने ऐसे अनेकों उदाहरण है। जमशेद जी टाटा
छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और बाद में वो गुरु पूरी दुनिया में छा गया। स्वामी जी हमें प्रेरणा देते हैं कि कभी हताश मत हो, निराश मत हो, उत्साह से भरे रहो, ईमानदारी से कोशिश करो, सफलता अवश्यंभावी है, सफलता तुम्हें मिलेगी। ये बहनें मेरी बैठी हैं, ऊपर भी बैठी हैं, पूरे प्रदेश में बैठी है, इनमें से कई सफलता के उदाहरण हैं, जिन्हें बहुत कम पूंजी से अपना काम धंधा आजीविका मिशन का शुरू किया और उनमें से कई लखपति बन गई। स्वामी विवेकानंद जी ने आज नहीं 19वीं शताब्दी में बात कही थी एक, उन्होंने कहा था कि हमारा देश पूरी ताकत से फिर से उठ के खड़ा होगा, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से आंखें खोल रही है और विश्वगुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। उनने कहा 21वीं सदी भारत की होगी, भारत की होगी, भारत की होगी। एक नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र, बाद में जब सन्यास लिया तो स्वामी विवेकानंद हो गए, और दूसरे नरेंद्र कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की होगी, कोई नहीं रोक सकता अब हमें। और 21वीं सदी भारत की अगर करनी है तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया, देखो कितनी कठिन परिस्थितियों से हम निकले। अच्छा, मैं तो जिस दिन चौथी बार मुख्यमंत्री बना उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया पूरे देश में। 23 मार्च को मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली 20 में, और 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया। कितनी कठिन परिस्थितियां, सब कुछ बंद, काम धंधे ठप, टैक्स आना बंद, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पहली लहर से लड़े, दूसरी लहर से लड़े, अब तीसरी से भी लड़ रहे हैं, लेकिन उसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो आत्मनिर्भर हर परिवार को होना पड़ेगा, और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी और पहली शर्त है अपना काम धंधा, अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहली चीज तो रोटी है, और इसलिए कैसे रोजगार की व्यवस्था हो यह हमारी प्राथमिकता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं अपने प्रदेश के सभी बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है रोजगार, रोजगार और रोजगार। मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं, और इसलिए हमने एक नहीं अनेकों वो प्रयास किए हैं कि जिसके कारण लोगों को रोजगार मिले। और रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है, हम सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि कई बार जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, कोई बंधी बंधाई तनख्वाह वाली शासकीय नौकरी मिल जाए। मैं नौकरी के लिए इनकार नहीं कर रहा, हमारी लगातार कोशिश है कि शासकीय क्षेत्र में भी रोजगार मिलता रहे, लेकिन क्या सरकारी नौकरी में सबको रोजगार मिल सकता है? भाई सरकारी क्षेत्र में तो उतने ही कर्मचारी आप रखोगे जितनी जरूरत है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, हम 60,000 करोड़ से ज्यादा तनख्वाह बांटते हैं, तनख्वाह तो
बाकी जनता भी तो है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए रोजगार के लिए हमने 8 सूत्री नीति बनाई है। नंबर 1, पढ़ाई की व्यवस्था ही ऐसी करो कि जिसमें उद्यमता का गुण पैदा हो। रोजगार उन्मुखी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। मैं एक नरेंद्र की बात कर रहा था, दूसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम हो रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, रोजगार युक्त भारत के निर्माण का। तो पहली चीज है कि पढ़ाई में ऐसी व्यवस्था करो कि जो हुनर भी पैदा कर दे। और इसलिए कक्षा 6 से इस साल से हम प्रारंभ करेंगे रोजगार के गुण देने वाली भी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। दूसरे, हाथों में ऐसा कौशल दे दें कि काम सीख जाएं। तो पढ़ने लिखने के बाद कम से कम अपनी रोजी रोटी तो कमा लें। उसलिए लगातार पूरे प्रदेश में ITI 10 संभागी मुख्यालयों पे मॉडल ITI भोपाल में तो ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। एक साल में कम से कम 6,000 बच्चों को ट्रेंड करके और उनको प्लेसमेंट हो जाएगा, रोजगार मिल जाए। कॉलेजों में भी अब व्यावसायिक शिक्षा शुरू करके कैसे प्लेसमेंट हो, मतलब कैसे कंपनियां आए और नौकरी मिले, इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो कौशल सिखाने का काम भी, यह हमारी दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी जो नीति है, एक तरफ रोजगार चाहने वाले हैं, दूसरी तरफ रोजगार देने वाले हैं। इन दोनों को कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, देने वाला और जिसकी जरूरत है वो। और इसलिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया और कई लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है। फिर चौथी हमने तय किया कि जिला और विकास खंड स्तर पर हर महीने रोजगार मेला लगाना है। अभी सकलेचा जी बता रहे थे, ये कोई आखिरी कार्यक्रम नहीं है, हर महीने एक दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम करके बैंकों के सहयोग से सब योजनाओं को जोड़ के हम रोजगार देने का काम करते रहेंगे, आजीविका चलाने का काम करते रहेंगे, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। यही मैं पूछ रहा था अभी कि बैंक में परेशानी तो नहीं होती, ये अफसर तो परेशान नहीं करते। अब हम अभियान के तौर पे अगर ये करेंगे तो बैंक भी पूरी सक्रियता से जुड़ जाते हैं और अधिकारी भी अभियान मिशन मोड में ले लेते हैं। इसलिए हर महीने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। हर महीने रोजगार दिवस, एक दिन महीना में रोजगार के सब अवसर जोड़ दो, ताकि लोगों को लोन दिला सके, पैसे की व्यवस्था कर सके, सरकार की योजना का लाभ दिला सके। सरकारी भर्ती एक माध्यम है, वो भर्तियां जारी है अभी। और एक जो सकलेचा जी अभी बता रहे थे, निवेश लाने का मतलब है बड़े हों चाहे छोटे हों, कल कारखाने उद्योग खोल के भी रोजगार देना। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको बता रहा हूं कि इस कोरोना काल में भी लगातार मध्य प्रदेश में छोटी, मध्यम और बड़ी फैक्ट्री लगाने लगातार लोग आ रहे हैं, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और आगे मिलेगा। इस काम को हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। लगातार लोग आ रहे हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कई तरह की सहायता देते हैं उनको। अब आप में से कई को पता नहीं होगा, कोई अगर टेक्सटाइल की फैक्ट्री आती है, रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री आती है, तो जो फैक्ट्री लगाता है उसको हम जमीन सस्ती देते हैं, और फिर जो बच्चों को ट्रेनिंग करने का उसका पैसा हम देते हैं, कुछ समय तनख्वाह का एक हिस्सा भी देते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, क्योंकि लाखों बच्चों को रोजगार देना है। अभी औद्योगिक क्लस्टर की बात कर रहे थे, 13 क्लस्टर अलग अलग, नमकीन, फर्नीचर, खिलौने, अब इतनी चीजों की जरूरत है, भैया ये बाहर से क्यों आए, आप बताओ हमारे यहां क्यों नहीं बने? प्रधानमंत्री जी कहते लोकल को वोकल बनाओ,
अब भोपाल में अपनी बहन है, वो जरदोजी का काम करती है, तो अपनी अपनी बटुआ क्यों नहीं बिकना चाहिए बताओ? बाहर का काय को खरीदो यार, भोपाल की खरीदो, यही तो लोकल को वोकल है। बुधनी में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, काय को चीन से मंगाए, अपने यहां बने खिलौने खरीदो। ये बहनें बैठी इतनी कई तरह का सामान बनाती है, कोरोना काल में सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग कर ली, कोई किसी ने छोटी मोटी राइस मिल, एक ने अनेकों चीजें बना रहे। तो भैया खरीदो यही चीज, अपनी जरूरत भी पूरी होगी और अपना पैसा बाहर भी नहीं जाएगा। तो एक अभियान पूरे प्रदेश पे हम चला रहे हैं कि छोटे छोटे कल कारखाने खुलें, हमारे बच्चे खोलें। और आज मैं फिर आह्वान करता हूं विवेकानंद जयंती के दिन, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाओ, तुम बन सकते हो। और ये अधिक से अधिक उद्योग आए, हमारे बच्चे उद्योग लगाएं, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, इनक्यूबेशन सेंटर हम खोल रहे हैं, जिनके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया है वो उनमें भाग ले सकते हैं। नया इनोवेशन है, हम मदद करेंगे तुम्हें आगे बढ़ने में। नया आइडिया, स्टार्टअप अपना शुरू करो, नया कोई आइडिया है तो उस पर काम करो, हम मदद करेंगे तुमको। तुम नया इतिहास रख सकते हो बेटा बेटी हो, नया इतिहास रख सकते हो। उसके लिए धन उपलब्ध कराना है, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत हम कराएंगे। आज भी तो 5.25 लाख लोगों को 16 तारीख से आज तक 5.25 लोगों को अगर इन योजनाओं के तहत, प्रधानमंत्री जी की योजना, मध्य प्रदेश की सरकार की योजना, हमारी योजना, उन्हीं के अंतर्गत तो दिलवा रहे हैं। कई में बैंक की सब्सिडी है, कई में हम गारंटी दे रहे हैं, ब्याज की सब्सिडी दे रहे हैं। क्यों नहीं सबको रोजगार मिल सकता आप बताइए? अलग अलग नए नए क्षेत्र ढूंढ रहे हैं, वन है, पर्यटन है, वन में बफर में सफर शुरू कर दिया हमने, नाइट सफारी शुरू कर दी, वन विहार में रात में भी जाओ, जल महोत्सव शुरू कर दिया, हनुमंतिया जैसे टापू बन गए, सैलानी बन गए, गांधी सागर में शुरू हो गया, हॉट एयर बैलून ऊपर घूमो, एक नहीं कितने धंधे। अपने यहां जितनी खनिज संपदा लगातार हम लगे कि ज्यादा से ज्यादा हम कैसे उस पर आधारित चीजें बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। सहकारिता का क्षेत्र, खेती का क्षेत्र, मध्य प्रदेश खेती में आज नंबर 1 है। हमारे किसान कई चीजें पैदा कर रहे हैं, हमारा बासमती धान अमेरिका और कनाडा 50% अपने ही जाता है। हम धान का आय को धान का चावल बनाए। हमारी सरबती गेहूं का आटा पूरे एमपी वीट के नाम से बिकता है। तो कहने का मतलब यह कि फलों पे आधारित, सब्जियों पे आधारित, अनाज पे आधारित इंडस्ट्री हम लगाए, उसमें रोजगार दें, कई लोग आ रहे हैं इसमें। कितने क्षेत्र हैं। और मुख्यमंत्री के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बहनों और भाइयों, बेरोजगारों को रोजगार देने में, इन काम धंधों से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम दिन और रात काम करेंगे। आओ मिलकर काम करते हैं, अपन मिलकर बढ़ते हैं, अपन काय को बेरोजगारी रहे, काय को हमारे बच्चे दर दर भटके। और इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। अभी सरकारी नौकरियों में बच्चे कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी जो भर्तियां निकाली है, शिक्षकों की भर्ती चल रही, आयुष चिकित्सा अधिकारी, संविदा लैब टेक्नीशियन, संविदा STLS, महिला पोषक प्रतिरक्षक, दंत शल्य चिकित्सक, विकासखंड लेखा प्रबंधक, जिला चिकित्सालय लेखापाल, स्टाफ नर्स ANM, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अभी जो भर्ती चल रही है प्रक्रिया, जेल प्रहरी की भर्ती चल रही है, सब इंजीनियर की भर्ती चल रही है, पैरामेडिकल नर्सिंग की भर्ती चल रही है, पुलिस में आरक्षक की भर्ती चल रही है, कृषि विभाग में NHM में भर्तियां चल रही है,
अभी शिक्षकों की हजारों भर्ती होने वाली है, नर्सिंग पदों पर फिर होने वाली है, ग्रामीण उद्यान विकास भर्ती परीक्षा होने वाली है, सब इंजीनियर की परीक्षा होने वाली है, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, आजीविका मिशन में भर्ती परीक्षा होगी, सहकारिता के विभिन्न पदों पर भर्ती होगी, कौशल प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती होगी, ये सारी भर्तियां और बैकलॉग के पदों की भर्ती की जा रही है। तो एक तरफ सरकारी जितनी रिक्तियां उनकी पूर्ति करके रोजगार देना, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में खुद अपने पैरों पर भी लोगों को खड़ा करना और उद्योग लाके भी रोजगार देने की कोशिश करना। और इसलिए मैं कह रहा हूं, खेती में मध्य प्रदेश ने बहुत किया है, कोशिश हमारी जारी रहेगी, लेकिन अगला लक्ष्य केवल खेती नहीं, लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछा देना है, मध्य प्रदेश की धरती पर जाल बिछा देना है, ताकि पूरे प्रदेश में रोजगार लोगों को अलग अलग मिले। फर्नीचर खिलौने की बात सकले चाची कर रहे थे, टेक्सटाइल में मतलब कपड़ा बनाने के क्षेत्र में, रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को बहुत रोजगार मिलता है, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग, गुड़, ये सारे क्लस्टर विकसित हो रहे हैं, इनमें रोजगार देंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें, निश्चित तौर पे मैं आज उनका अभिनंदन करता हूँ, आजीविका मिशन की बहनों का तालियां बजा के स्वागत करें, जितने तरह की चीजें वो बना रही है, उनके सशक्तिकरण का एक नया इतिहास रच रहे हैं, हम उसको बल देने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही लगभग 12 लाख बहनों को, उनके स्व सहायता समूहों को अलग अलग आर्थिक गतिविधियों के लिए 2000 करोड़ से अधिक की क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराई है, पैसा उपलब्ध कराया है, पोषण आहार बना रही वो 7 फैक्ट्रियां हमारी, उनमें से 4 चालू हो गई, सारे मैनेजमेंट का काम हमारी बहनें देख रही है। पीएम स्वनिधि योजना, छोटे छोटे फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, किराने की दुकान वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुमटी वाले, पंचर जोड़ने वाले, छोटे छोटे काम में लगे लोग, इनको छोटी राशि चाहिए, अगर इनको 10-20 हजार मिल गए तो इनकी जिंदगी की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है। मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में हिंदुस्तान में नंबर 1 है। फिर गांव के लोग रह गए थे तो हमने सीएम स्वनिधि भी बना दी, गांव में भी बड़े बड़े बाजार है, बड़े सेंटर है, उनको भी बिना ब्याज का पैसा मिले, और वो लौटा दे तो फिर दुगना मिल जाए, तो उसमें भी लगभग 2.5 लाख लोगों को अभी लोन दिया जा चुका है, बिना ब्याज का लोन, जिसकी गारंटी सरकार लेती है, उनका काम धंधा भी ठीक चल रहा है। अभी आपने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम देखा, मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन, लगातार इस बात के प्रयास चल रहे हैं, सभी जिलों में एक जिला एक उत्पाद योजना बनाई, उसके अंतर्गत हमारे जिस जिले में जो चीज होती, जैसे जरदोजी की बात मैंने भोपाल की कही, बुरहानपुर में केला पैदा होता है, हमारे कुछ जिलों में संतरा पैदा होता है, हमारा लहसुन, हमारे मसाले, हमारी धान, अलग अलग चीजें, तो एक जिला एक उत्पाद करके हम अब ये कोशिश भी कर रहे हैं कि वो उत्पाद और श्रेष्ठ बन के न केवल देश में जाए बल्कि दुनिया भर में भी उसको भेजें, उसका कैसे निर्यात करें, इसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं ताकि ज्यादा पैसा आए। देवारण्य योजना बना के हमारे जंगलों में जो औषधि होती है, मध्य प्रदेश के जंगल बहुत समृद्ध है, अलग अलग तरह की दवाइयां, औषधियां, उनको तोड़ के संग्रहण करना, तो तोड़ने में लगे लोगों को रोजगार मिले, उसकी प्रोसेसिंग करना, दवाइयां बनाना और फिर बेचना, इसमें हम हजारों लोगों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, उसमें जो राशन गांव जाएगा नवासी इलाकों में, तो नौजवानों की गाड़ियों से जाएगा, सरकारी गाड़ियों से नहीं जाएगा, उनको लोन दिला के गाड़ी दिलवाना और हर महीने इतना किराया देना कि जिससे उनकी गाड़ी की किस्त भी निकल जाए और उनकी जिंदगी की गाड़ी भी चल जाए, उनकी रोजी रोटी भी चल जाए, ताकि उनको रोजगार मिले। एक